ये इस तरह से पैक करके उन्होंने भेजा है। तो अंदर क्या रहने वाला है ये, बस आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर देखो गाइस कैसे फाड़ा जा रहा है इसको। स्ट्रीट ट्रिपर चला रहा है गाड़ी मेरा और हम पीछे बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पेक ब्लॉग्स। एंड टाइटल और थंबनेल आप लोग देख के समझ गए होंगे कि अभी कहाँ जाने वाले हैं। जा तो रहे हैं, बट उससे पहले भाई बारिश में देखो बाइक का हालत, ये देख लो क्या करें। यहाँ पीछे तक आता है। लालू कपड़ा ला कर झाड़ लो इसको, बैठेगा कहाँ। एक सामान आया हुआ है पार्सल, तो उसी को जा रहे हैं रिसीव करने। और वो क्या रहने वाला है वो अभी लाएंगे तो दिखाएंगे। और देखिए वो स्टाफ को हम लेके जा रहे हैं भाई, क्योंकि लड़का उड़का अभी जुगाड़ नहीं हो पाया, तो इसलिए सोचे इसी को लेके चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और निकलते हैं अपन यहाँ से। क्योंकि तुरंत लेके आना है, क्या रहने वाला है नहीं रहने वाला है ये तो आप लोग को पता चल ही जाएगा आगे। चलो, और फिर बाइक भी वॉश करवाना है यार, क्या जो करें। पहले सामान ले आते हैं और उसके बाद बाइक वॉश कराएंगे। ये जो है मेरे पास सामान आया हुआ है वो है भाई, हमको भेजा गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। और जिन्होंने भेजा है हो सकता है उनका आईडी आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, और उनको उनका इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट आपको बाय करना हो या फिर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कोई किसी भी बाइक के लिए, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, बोलते बोलते मैं ही पहुंच गए हैं। BRTF यहाँ से सामने हम बोला था ना, आधा के एक किलोमीटर है बस। तो भाई परसों ही गए थे उनके यहाँ पे, बट अकेले मेरे से आ नहीं रहा था वो चीज़, तो वहीं पे छोड़ना आ रहा है यार। बताओ, बिना देखे ही लोग ये करता है। चैन नॉइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, चैन भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो चैन देखना दिखवाना क्या होगा, वो खुद से ही साफ करना होगा, चैन ल्यूब करेंगे। अभी पेडो के स्टैंड एक गैरेज में दिया हुआ था भाई, जो गैरेज ही बंद है। अरे तो धीरे धीरे तो चल रहे थे, भाग गया था, स्पीड था। 12 seconds later. TDC ऑफिस ये रहा भैया, बोला सामान लेने आए हुए थे हम, अनिल कुमार का नाम से जो था। हाँ हाँ, ये बोला धरो। सब कुछ तो हो गया था उस दिन। हाँ यही बोला, उसी दिन तो देख के गए थे, यही है। ठीक है, और ये देखिए जो सामान है ये इस तरह से पैक करके उन्होंने भेजा है। तो अंदर क्या रहने वाला है ये, बस आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। वीडियो तो स्किप हो गई, वो तो हमको ही पता है। तो चलो फिर भाई चलते हैं। हाँ चलो बैठो। कल ही 250 का तेल लिए थे, फ्यूल रिजर्व बार बार चला। 80 किलोमीटर के बाद तो सीधा भाई जीरो हो जाता है यार, 80 या 70 के बाद जीरो हो जाता है पूरा। ऐसा नहीं कि मतलब 50 हो रहा है, 30 हो रहा है, 20 हो रहा है, ये सब नहीं, सीधा जीरो। समझ ही नहीं आता यार कितना किलोमीटर चलेगा गाड़ी, नहीं चलेगा। पहले वाला ड्यूक में ठीक था एक्यूरेट, कम से कम नहीं पर में भी ना तो 20-30-50 ऐसा दिखाता था कितना किलोमीटर ये चल रहा है, क्या हो रहा है। बट क्या बोले, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा सीन कर दिया यार। छोड़ते हैं ये दुकान में एंड पहले फिर उसके बाद जाएंगे बाइक वॉश करवाते हैं। और ये देखो भाई पहुंच गए हैं। पंखा ऐसा लग रहा था नहीं। A few moments later. भाई हम लोग जा रहे हैं बाइक वॉश करवाने। स्ट्रीट ट्रिपर चला रहा है गाड़ी मेरा और हम पीछे बैठे हुए हैं।
बगल में ही है तो हेलमेट लिए नहीं है। भाई बाइक तो वॉश करवाने आए थे बट थोड़ा बिजी है, इधर भी कार लगा हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा बोल रहा है, लगता है घर में ही जाकर धोना पड़ेगा। Eternity later. बाइक का हालत हो गया था भाई पूरा ख़राब, और ये देखो बाइक वॉश हो रहा है। 70 रुपये चार्जेस है यहाँ का, सब जगह का 70 रुपये हो गए। अपनी ड्यूटी और भाई बाइक हो गई फाइनली, देखो पूरा नया नया मिली दुल्हन जैसा। और अब देखो कैसा लग रहा है भाई, इतना गंदा था ना, इतना गंदा था क्या ही बोले। कल 15 अगस्त भी है तो उधर पे निकलना है अपने को, पूरा चमक रही है। तो बाइक तो आप लोग देख ही लिए, वॉश 70 रुपये भाई लगता है इधर होम वॉश का। तो चलते हैं अब, जो हम लोग को काम करना है अनबॉक्सिंग वो काम शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग जो हम लोग को करना है वो सामान हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे निकाल तो नीचे से इतना प्रेशर से मारा, देख रहे इसमें आ गया भाई बबल। 2000 years late. तो गाइस देखो यहाँ पर एग्जॉस्ट खुलते हुए, मतलब पैकिंग वगैरह खुलेगा एंड उसके अंदर क्या क्या सब दिखेगा। अभी देखो भाई मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका था, देख रहे हो ना, और प्लस थोड़ा शोर है तो वो सबको इग्नोर करो। यहाँ पर देखो गाइस कैसे फाड़ा जा रहा है इसको। A few moments later. तो गाइस देखो बेंड पाइप क्वालिटी भी अच्छा ही है, देखो ना बड़ा अच्छे उल्टा साइड से करिए उधर से ज्यादा आवाज गूंजता है। हाँ अलग ही टाइप का है, थोड़ा तो अलग है। तो गाइस इसका जो छेदा थोड़ा सा छोटा है बाकी वाला सबसे, छोटा नहीं है मतलब डीवी किलर लगा हुआ है बट स्टिल थोड़ा छोटा दिख रहा है, फिर भी चलेगा। आप लोग पूरा क्लिप देखे होंगे, और जो हम लोग को प्रोडक्ट ये जो भेजा गया है ये पूरा एग्जॉस्ट है, ये थोड़ा अलग ही टाइप का है, थोड़ा देखने में सही लग रहा है देखो। एंड ये विद डीबी किलर है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, एंड विद बेंड पाइप तो अब ना भाई तगड़ा आने वाला आवाज़, मज़ा आने वाला है। अब जो रिएक्शन और जलाने में जो फील आने वाला है वो तो अलग ही लेवल का रहेगा। और देखो भाई फाइनली आ गया प्रोडक्ट। अब ये हम लोग जब लगाएंगे इंस्टाग्राम का आईडी तो वहाँ पे जाके आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। बट नो डाउट भाई बहुत सेक्सी लग रहा है यार देखने में। और ये ड्यूक 250 और 390 जनरेशन 3 स्पेशली ये बेंड पाइप भेजे हैं, और ये एग्जॉस्ट तो ये कार्बन फाइबर जो है ना, ये कार्बन फाइबर और इसका लुक इन्हेंस कर रहा है भाई, बहुत सही लग रहा है, बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा है देख रहे हैं। तो कमेंट में बताओ ये आप लोगों को एग्जॉस्ट कैसा लग रहा है। एंड आवाज़ तो अभी तो नहीं कुछ हो पाएगा, अब नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे उसमें आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब चलिए ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय टाटा।